हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुक शो। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे चने दाल का हलवा बनाना। मैं आज आपको इस हलवे को बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी, तो आपको जब भी हलवा खाने का मन हो तो आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं, या फिर आपका व्रत हो तो भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चना दाल हलवा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम चना लिया है। सबसे पहले हमें इसे अच्छे तरीके से धोकर 4 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखना है। तो यहाँ पे मैंने दाल को पहले से पानी में भिगो के रखा था, ये हमारा अच्छी तरीके से फूल गया है। अगर आप मॉर्निंग में बना रहे हैं हलवा तो आप रात में इसे फूलने के लिए छोड़ दें। मैंने दाल में से पानी को निकाल दिया है। अब हम एक कपड़ा लेंगे, आप कोई भी कॉटन कपड़ा ले सकते हैं, उस पर इस तरीके से दाल को फैला देंगे और अच्छे से इसे हम पोंछेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है दाल से वो निकल जाए। आप इसे चाहो तो 5 मिनट के लिए पंखे के नीचे भी छोड़ सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। गैस के फ्लेम को आप यहाँ पे लो कर दें। मैं यहाँ पे गाय का घी यूज कर रही हूँ। अब इसमें डालेंगे ये चना दाल जो कि मैंने सुखा लिया है। अब हमें दाल को अच्छी तरीके से भूनना है। यहाँ पे हम गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे जब तक ये हमारा गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। हमें दाल को अभी अच्छी तरीके से भूनना है ताकि जब हम इसे पीस कर इसका पाउडर बनाए तो हमें ज्यादा मेहनत ना लगे हलवा बनाने में। ये धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है, मैं इसे थोड़ा सा और अभी पकाऊंगी ताकि ये और अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए। तो यहाँ दाल हमारा अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है, तो हम गैस के फ्लेम को यहाँ पे ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम ग्राइंड करेंगे मिक्सर में। तो इस तरीके से ग्राइंड करके मैंने इसका पाउडर बना लिया है। आप चाहो तो इस पाउडर को कंटेनर में रख के फ्रीज में रख सकते हो, ये हफ्तों तक खराब नहीं होगा और थोड़ा थोड़ा करके इसका हलवा बना सकते हैं। ये एक नया टिप्स है आपके लिए। अब मैंने उसी कढ़ाई को फिर से गैस पे चढ़ाया है। इसमें फिर से मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून घी। घी को थोड़ा गर्म होने देंगे, जब घी गर्म हो जाए तो इसमें जो मैंने पाउडर बनाया है वो ऐड करेंगे। अच्छे से हम इसे घी में मिला देंगे। आप हलवे में जितना ज्यादा घी डालिएगा उतना अच्छा आपका हलवा बनेगा। आप चाहते तो दाल को बिना भुने हुए भी पीस कर उसका पेस्ट बना लेते, उसके बाद फिर घी में उसे भूनते, लेकिन जो प्रोसेस मैंने किया है, पहले चना दाल को भूना है तब उसका पाउडर बनाया है, इस प्रोसेस से आपका हलवा काफी टेस्टी बनता है और काफी दिनों तक अच्छा रहता है, खराब भी नहीं होता है। और ये काफी इजी मेथड है हलवा बनाने का, तो आप इसी तरीके से चना दाल हलवा बनाएं, काफी इजी और काफी टेस्टी बनता है ये। तो मेरा दाल ऑलरेडी भुना हुआ है, बस इसे हमें मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट और भूनना है। तो यहाँ पे दाल हमारा भून चुका है, तो हम इसमें डालेंगे दूध। यहाँ पे मैं 2 कप दूध का यूज करूंगी। पहले मैंने 1 कप डाला, फिर 2 कप। आप चाहो तो 1 कप दूध और 1 कप पानी का यूज कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से हम मिला देंगे। दाल जो है वो दूध को काफी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हम डालेंगे इसमें शुगर। तो मैंने 250 ग्राम दाल लिया था, तो इसके लिए मैं इसमें 150 ग्राम के लगभग शुगर डालूंगी। अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें कम चीनी डालें। चीनी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला देंगे। अगर चीनी डालने के बाद आपको मिक्स करने में दिक्कत हो तो आप इसमें 1/2 कप पानी डाल सकते हैं, या तो फिर दूध का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे से मिक्स करें। देखिए कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। हम हलवे को 2 से 3 मिनट और पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। साथ ही मैं इसमें फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर। तो हम 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसे और कुक कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट हो गया है, चीनी हमारा सारा मेल्ट हो गया है और हलवा भी सूख गया है। तो हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हलवा बन के रेडी है। अब इस पे हम गार्निशिंग करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट से, जैसे किशमिश, पिस्ता, काजू। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स को हलवे के अंदर भी डाल सकते हो या फिर ऊपर से भी गार्निशिंग करके खा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखा ना कितना आसानी से और कितना जल्दी टेस्टी हलवा बन के तैयार हो गया। तो आप इसे कोई भी व्रत में खा सकते हैं या फिर कोई भी फेस्टिवल में बनाकर इसे खा सकते हैं। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो हमें जरूर कमेंट करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी तरीके से मैं आपके साथ मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।